सो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वन प्लस का स्मार्टफोन लेना है बट वो नहीं ले पाते क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 40,000-50,000 रुपए के स्मार्टफोन अब तो फिलहाल वन प्लस के आ रहे हैं, तो 50,000 रुपए नॉर्मली यूजुअली एक नॉर्मल बजट क्लास वाला फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाता है, और जिसे लेने का मन है वो भी एक हिसाब से सोच के रह जाता है। बट यहाँ पे वन प्लस का नया स्मार्टफोन वन प्लस जेड करके वो एक बोल सकते हैं कि बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन रहने वाला है, वन प्लस की तरफ से जुलाई में लॉन्च होने वाला है। उसका यहाँ पे फीचर स्पेसिफिकेशन रिवील हो गया है, वही मैं आप इस वीडियो में बात करूँगा। तो वन प्लस जेड के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, वन प्लस जेड के बारे में बात करेंगे। ये वन प्लस जेड यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स बजट कैटेगरी में आने वाला है, मंथ ऑफ जुलाई में यानी कि अगले महीने लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, बजट कैटेगरी स्मार्टफोन आने वाला है यानी कि कम बजट में आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे ये प्रोवाइड करने वाला है। जी हाँ, बहुत सारा मतलब कि ऐसे बहुत सारा मतलब कि बहुत भी अच्छा नहीं कुछ, बट यहाँ पे जिस प्राइस रेंज पे आने वाला है एज अ ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, वहाँ पे वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगी यहाँ पे वन प्लस जेड में। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.5 इंचेस सुपर एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला यहाँ पे पैनल देखने को मिलेगा, फुल एचडी स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स पंच होल के साथ यहाँ पे आएगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा पंच होल में यहाँ पे। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, 90 हर्ट्ज वाला पैनल है, सुपर एमोलेड स्क्रीन है, फुल एचडी के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अच्छा खासा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आपको आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे प्रोसेसर की, तो इसमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 वाला प्रोसेसर एसओसी वाला, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। जी हाँ, 765 ये एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर है जो कि 5G को सपोर्ट करता है। यूजुअली स्नैपड्रैगन 855 सपोर्ट करता है 5G को, बट यहाँ पे स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 765 भी 5G को सपोर्ट करता है और वो बजट कैटेगरी में यहाँ पे फिट होता है। 8GB रैम, 12GB स्टोरेज, 12GB रैम, दो रैम वेरिएंट निकल के आया, और 128 256GB के साथ आएगा। मेरे हिसाब से 8 128 और 12 256GB स्टोरेज, ऐसा कुछ यहाँ पे वेरिएंट निकल के आने वाला है। एंड्रॉयड 10 और ऑक्सीजन OS 10 के साथ आप लोग को यूज़र इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा इस वन प्लस जेड में। अब बात होती है कैमरा की, तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा वन प्लस जेड में देखने को मिलेगा आप लोगों को, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं जो कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा आएगा। 64 मेगापिक्सल क्यों नहीं आया, मेरे हिसाब से क्योंकि 48 मेगापिक्सल का जो आउटपुट निकल रहा है वो फ्रेंड्स अच्छा खासा बहुत ही अच्छा निकल रहा है। यूजुअली सारे ब्रांड में अगर आप देखेंगे तो जो लोअर बजट, लोअर मतलब कि जो 20,000 के अंदर है, उसमें ही 64 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है। वरना गौर कर लिए, जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल नहीं दे रहे हैं, वो 48 मेगापिक्सल ही दे रहे हैं, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का आउटपुट बहुत ही अच्छा है। फ्रंट में जैसे मुझे लाइक दिया पंच होल वाला 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कैमरा का मॉड्यूल्स बहुत ही अच्छा है। बात करूँ बैटरी की, तो 4000mAh का बैटरी बैकअप होने वाला है, साथ में 30W का अडैप्टर के साथ आपको मिलेगा। देखिए जो बैटरी बैकअप है वो तो अच्छा ही है, बट साथ ही में हमको अडैप्टर मिलता है, वो भी अच्छा खासा फास्ट चार्जिंग वाला अडैप्टर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हमको ये वन प्लस जेड में आता है। अब बात होती है प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइसिंग ही मेन डिसाइड करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो 25,000-30,000 रुपए के अंदर जी हाँ आने वाला है। तो 30,000 रुपए के अंदर फ्रेंड्स आने वाला है, तो ये बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स बजट ही है, क्योंकि 30,000 रुपए में हम अफोर्ड कर सकते हैं लेना 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा करके 50,000 रुपए, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट 30,000 रुपए के अंदर ये वन प्लस जेड अगर आता है तो फ्रेंड्स लिटरली बता रहा हूँ मार्केट खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छे फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है और वन प्लस का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग यूजुअली प्रीफर करते हैं वन प्लस को बाय करना। तो यही है वन प्लस जेड के ऊपर वीडियो, जुलाई में आने वाला है एक महीने के बाद ही, कम बजट में बहुत ही अच्छे फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बन रही टेक यूट्यूब चैनल के, बोल रही जय हिंद, पीस आउट।